नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार, हमारे चैनल वास्तु ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे बेडरूम या शयन कक्ष के बारे में। किसी भी घर या भवन में बेडरूम सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि इसी बेडरूम में हम अपनी जिंदगी का एक बड़ा समय व्यतीत करते हैं। इसलिए बेडरूम की महत्ता को समझते हुए घर में बेडरूम का निर्माण करवाते समय हमेशा वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यदि घर में बेडरूम का निर्माण वास्तुशास्त्र के सही सिद्धांतों अनुसार होता है तो घर का माहौल हमेशा खुशनुमा रहता है। घर के सभी सदस्यों को जीवन व्यतीत करने में उत्साह और आनंद की प्राप्ति होती है और घर के सभी सदस्यों के बीच आपसी तालमेल और प्यार बना रहता है। वास्तु के अनुसार घर के हर सदस्य के लिए बेडरूम की स्थिति दिशा के अनुसार अलग अलग तय की गई है। घर की अलग अलग दिशा में बना बेडरूम घर के हर सदस्य के लिए अलग अलग महत्व रखता है। इसलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम का निर्माण घर के किस सदस्य के लिए किस दिशा में शुभ होता है और किस दिशा में अशुभ होता है। वास्तु के अनुसार घर के दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य कोण में बेडरूम का निर्माण करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिशा में बने बेडरूम को मुख्य शयन कक्ष या मास्टर बेडरूम कहा जाता है। वास्तु के अनुसार इस दिशा में हमेशा घर के स्वामी का ही बेडरूम बनाना चाहिए, क्योंकि यही दिशा मास्टर बेडरूम बनाने के लिए उत्तम मानी जाती है। यह दिशा पांच तत्वों में से पृथ्वी तत्व की होती है, जो कि स्थिरता प्रदान करती है। जो भी व्यक्ति इस दिशा में बने बेडरूम का इस्तेमाल करता है घर में, बस उसी की बात मानी जाती है। इसलिए सभी वास्तुशास्त्री इस दिशा में घर के स्वामी का बेडरूम बनाने की सलाह देते हैं, ताकि उसे भी जिंदगी में स्थिरता मिल सके। इस दिशा में बना बेडरूम घर के स्वामी को स्थिरता प्रदान करता है, चाहे वो संबंधों में हो या आर्थिक हो। इसके अलावा अगर आप घर की ऊपरी मंजिल पर मास्टर बेडरूम का निर्माण करवाना चाहते हो तो भी मास्टर बेडरूम हमेशा ऊपरी मंजिल के दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य कोण में ही बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में घर के स्वामी का बेडरूम बनाने से वह निरोग और घर में लंबे समय तक निवास करता है। उसे ठोस निर्णय लेने में मदद मिलती है और उसके धन और व्यापार में वृद्धि होती है। इसलिए घर के दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य कोण में बने बेडरूम को हमेशा घर के स्वामी द्वारा ही इस्तेमाल करना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर के उत्तर पूर्व या शयन कोण में बेडरूम का निर्माण कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में देवी देवताओं का वास होता है। इस दिशा के स्वामी गुरु ग्रह हैं, जो कि ज्ञान और शिक्षा के देवता हैं। इसलिए यह दिशा बहुत पवित्र मानी जाती है। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा और पवित्र रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दिशा में बेडरूम का निर्माण कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में बने बेडरूम का प्रयोग करने वाले सदस्यों के हर कार्य में असफल होने की संभावना होती है। उनके विवाह में देरी, वंश वृद्धि में मुश्किलें, धन की हानि और काम में रुकावट आती है। इसलिए घर के स्वामी या कमाने वाले सदस्य को इस दिशा में बने बेडरूम का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस बेडरूम में नवविवाहित जोड़े को कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में बने बेडरूम में सोने से कन्या संतान होने की संभावना ज़्यादा होती है और साथ ही पति पत्नी में प्रेम की कमी और तकरार होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए घर के उत्तर पूर्व या शयन कोण में बेडरूम का निर्माण कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में पहले से ही इस दिशा में बेडरूम बना हुआ है या जगह की कमी के कारण आपको इस दिशा में बेडरूम बनाना ही पड़े, तो आप इस दिशा में बने बेडरूम को पूजा कक्ष, छोटे बच्चों के लिए शयन कक्ष या बच्चों के लिए अध्ययन कक्ष आदि के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा घर के वृद्ध बुजुर्ग जो संसारी कामों से मुक्त हो गए हों, उनको भी इस दिशा में बने बेडरूम में सुलाया जा सकता है। लेकिन घर के कमाने वाले सदस्य को इस बेडरूम का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर के उत्तर पश्चिम या वायव्य कोण में भी बेडरूम का निर्माण करना उत्तम होता है। यह दिशा भी बेडरूम बनाने के लिए आदर्श मानी जाती है।
यदि घर के स्वामी का व्यवसाय या नौकरी ऐसी होती है जिसमें अक्सर उसे टूर पर रहना होता है, उसके लिए घर के उत्तर पश्चिम या वायव्य कोण में बेडरूम बनाना बहुत श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इस दिशा के स्वामी वायुदेव हैं और वायु का स्वभाव चलायमान होता है, इसलिए इस दिशा में बना बेडरूम आवागमन के लिए बहुत उत्तम होता है। इसके अलावा इस दिशा में बना बेडरूम मेहमानों के ठहरने के लिए और अविवाहित लड़कियों के शयन कक्ष के रूप में प्रयोग करना भी उत्तम होता है, क्योंकि इस दिशा में वायु तत्व होने के कारण जो भी व्यक्ति इस दिशा में रहता है वह ज़्यादा समय तक इस दिशा में नहीं ठहर सकता है। इसलिए जिन लड़कियों के विवाह में देरी हो रही हो उन्हें इस दिशा में बने बेडरूम में सुलाने से उनका विवाह जल्दी होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए विवाह योग्य लड़कियों के लिए इस दिशा में बना बेडरूम बहुत उत्तम होता है। वास्तु के अनुसार घर के दक्षिण पूर्व अग्नि कोण में बेडरूम का निर्माण कभी नहीं करना चाहिए। यह स्थान पांच तत्वों में से अग्नि तत्व का होता है। यदि घर का स्वामी इस स्थान पर बने बेडरूम में सोता है तो इस स्थान पर अग्नि तत्व का प्रभाव होने के कारण उसको अपने विवाहित जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस दिशा में बना बेडरूम पति पत्नी के स्वभाव में तनाव, चिड़चिड़ापन और नींद में कमी लाता है, जिसके कारण पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। कई बार यह लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बात तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए घर के स्वामी या विवाहित सदस्यों के लिए इस दिशा में बना बेडरूम उचित नहीं माना जाता है। इसके अलावा इस दिशा में बने कमरे में बच्चों को भी नहीं सुलाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में अग्नि का प्रभाव होने के कारण उनके भी क्रोधी और चकड़ालू हो जाने का भय बना रहता है। इसलिए घर की इस दिशा में बेडरूम का निर्माण करने से बचना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में पहले से ही इस दिशा में बेडरूम बना हुआ है या जगह की कमी के कारण आपको इस दिशा में बेडरूम बनाना ही पड़े, तो इस दिशा में बने बेडरूम में बेड को ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिण दिशा की दीवार की तरफ लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर की पूर्व दिशा में भी बेडरूम का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन इस दिशा में बना बेडरूम सिर्फ बच्चों या अविवाहितों के लिए शुभफलदायक होता है। इसके अलावा इस दिशा में बने बेडरूम को घर में आने जाने वाले मेहमानों के लिए गेस्ट रूम या स्वागत कक्ष के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इस दिशा में बने बेडरूम में विवाहित जोड़े को कभी नहीं सोना चाहिए, अर्थात इस कमरे में भोग विलास की क्रिया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह दिशा उत्तर और ईशान कोण की तरह बहुत पवित्र मानी जाती है। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा और पवित्र रखना चाहिए, इसलिए इस दिशा में विवाहित जोड़े का बेडरूम कभी नहीं बनाना चाहिए। इस दिशा में विवाहित जोड़े का बेडरूम बनाने से पति पत्नी के आपसी प्यार में कमी और तकरार की स्थिति हमेशा बनी रहेगी, साथ ही गंभीर बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा परिवार को धन की हानि और आर्थिक संकटों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए घर की पूर्व दिशा में बने बेडरूम में विवाहित जोड़े को कभी नहीं सोना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर की दक्षिण दिशा में भी बेडरूम का निर्माण करना सर्वश्रेष्ठ होता है। इस दिशा में बेडरूम बनाना भी घर के स्वामी के लिए शुभफलदायक होता है, क्योंकि इस दिशा में बना बेडरूम भी घर के स्वामी को स्थिरता प्रदान करता है। इस बेडरूम का इस्तेमाल घर के स्वामी के अलावा घर के अन्य विवाहित बेटों द्वारा भी किया जा सकता है। इस दिशा में बेडरूम बनाने से घर के स्वामी और सदस्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उनके आर्थिक और शारीरिक सुखों में वृद्धि होती है और उन्हें जिंदगी के महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने में भी कभी कोई मुश्किल नहीं आती है। इसलिए घर की दक्षिण दिशा में बेडरूम का निर्माण करना सर्वश्रेष्ठ होता है। वास्तु के अनुसार घर की उत्तर दिशा में भी बेडरूम का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन घर के स्वामी या कमाने वाले सदस्य के लिए इस दिशा में बना बेडरूम उपयुक्त नहीं होता है। इस दिशा में बेडरूम बनाने से घर के स्वामी को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए घर की उत्तर दिशा में
घर के स्वामी या कमाने वाले सदस्य का बेडरूम कभी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन घर की इस दिशा में बने बेडरूम का इस्तेमाल घर के अन्य सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। इस दिशा में बने बेडरूम का इस्तेमाल बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए, मेहमानों का स्वागत करने के लिए, जातान रखने के लिए, कोषागार के रूप में किया जा सकता है, लेकिन घर के स्वामी या कमाने वाले सदस्य को इस बेडरूम का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर की पश्चिम दिशा में भी बेडरूम का निर्माण करना उत्तम होता है। यह दिशा भी बेडरूम बनाने के लिए आदर्श मानी जाती है। यदि किसी कारण घर के स्वामी का बेडरूम दक्षिण या नेतृत्व कोण में नहीं बनाया जा सकता हो, तो घर की इस दिशा में भी घर के स्वामी का बेडरूम बनाया जा सकता है। इस दिशा में बना बेडरूम भी घर के स्वामी के लिए उत्तम होता है। इसके अलावा इस बेडरूम का इस्तेमाल घर के बड़े बच्चों या विवाहित बेटों द्वारा भी किया जा सकता है, और घर में जगह की कमी के कारण इस बेडरूम का इस्तेमाल घर के अन्य सदस्यों द्वारा भी किया जा सकता है। इस बेडरूम का इस्तेमाल करने से घर के सभी सदस्यों को सुख समृद्धि, तन धान्य और स्वस्थ लाभ मिलता है। इसलिए घर की पश्चिम दिशा में बना बेडरूम भी घर के स्वामी और अन्य सदस्यों के लिए उत्तम होता है। वास्तु के अनुसार घर के मध्य भाग या ब्रह्म स्थान में बेडरूम का निर्माण कभी नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस स्थान को हमेशा खाली और साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि पूरे घर में ऊर्जा का संचार इसी दिशा से शुरू होता है। यह स्थान बहुत सी ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है, जो कि आराम और नींद के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए घर के मध्य भाग या ब्रह्म स्थान में बेडरूम या शयन कक्ष का निर्माण कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें, और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।